कॉपर सल्फेट के कण बहुत खूबसूरत होते हैं। ये कण सूखे लग सकते हैं, पर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या जल का क्रिस्टलन होता है, इसलिए ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट या जल योजित लवण है। किसी लवण के एक सूत्र इकाई में मौजूद पानी के अणुओं की निश्चित संख्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में पानी के 5 अणु मौजूद होते हैं, इसलिए जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। कुछ का मानना है कि वॉशिंग सोडा में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसके हर सूत्र में पानी के 10 अणु होते हैं, इसलिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 10H2O। कण का आकार बनाए रखने के लिए पानी के अणु बहुत आवश्यक होते हैं। अगर हम कॉपर सल्फेट के कण को गर्म करें तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ वो एक सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ बनकर रह जाएगा। अब ये एनहाइड्रस सॉल्ट या निर्जल लवण कहलाएगा। ऐसा ही एक यौगिक है जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसके हर सूत्र इकाई में पानी के 2 अणु होते हैं। अगर हम जिप्सम को गर्म करें तो वो सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाएगा। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप CaSO4 1/2 H2O के सूत्र को गौर से देखें तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में पानी का सिर्फ आधा अणु ही लगा दिखाया गया है। तो पानी का आधा अणु कैसे मिल सकता है? ये सूत्र इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि CaSO4 की 2 सूत्र इकाई पानी के अणु को आपस में बांटती है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत से काम आता है। इसमें पानी मिलाने पर यह दोबारा कठोर जिप्सम का रूप ले लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल टूटी हड्डियों को सहारा देने, मूर्तियां आदि बनाने में होता है। तो आइए दोहरा लें। किसी लवण के दानेदार या क्रिस्टलाइन रूप में उसकी एक सूत्र इकाई से रासायनिक तौर पर जुड़े पानी के अणुओं की निश्चित संख्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जिप्सम CaSO4 2H2O में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में पानी के 2 अणु होते हैं और इसका इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पर होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे डॉक्टर्स टूटी हड्डियों को उनकी सही जगह पर बिठाए रखने के लिए प्लास्टर के तौर पर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।